इस वक्त पर भी ये लोग जो है ऐसा काला कानून निकाल कर जो है जब उसको खत्म कर देंगे तो क्या बाकी रहेगा? जरूर निकलेगा, कैसे नहीं निकलेगा? इट इज ए डेथ वारंट फॉर द फार्मर्स। सो वी मेड इट एंड टुडे यू कैन सी द रेन हियर, कितना बारिश आ रहा है। बिकॉज फार्मर है तो हम है, फार्मर नहीं तो देश। अगर सरकार ने ये सारे बिल्स पास किए तो कुछ सोच समझ कर ही पास की होगी ना? हमें नहीं पता ये क्या सोच समझ कर किए हैं। अभी जो गरीबी है, अभी जो भूखमारी है, इस वक्त पर जो इनकी हर लाइन से नाकामी हुई है, इस वक्त पर भी ये लोग जो है ऐसा काला कानून निकाल कर जो है जो आदमी अल्लाह के बाद जो रिस्क देने वाला है, उनका जो जरिया बना है, जो इंसान जो जरिया बनकर, जो किसान जो जरिया बनकर जो दे रहा है, वो जो खिलाने वाला आदमी है, जब उसको ख़त्म कर देंगे तो क्या बाकी रहेगा हिंदुस्तान के अंदर? तो सर आपको क्या लगता है कि ऐसा? नहीं, ये बिल हरगिज़ ये बिल उनको वापस लेना ही पड़ेगा। हम इस काले कानून के खिलाफ है, हरगिज़ हम इसको मानते नहीं है। तो सर आपको क्या लगता है कि ऐसे प्रोटेस्ट करने से ये काला कानून निकल जाएगा? जरूर निकलेगा, कैसे नहीं निकलेगा? अब तो ये सिर्फ ये ट्रायल है, अब आवाम जो है बाहर निकलेगी। पूरे हिंदुस्तान की पब्लिक बराबर से हमारे साथ दे रही है, खड़ी है। तो सर AIMIM से क्या मेजर्स लिए जाएंगे? आली जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की हिदायत पर जो है हम बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को, हम उन्हीं के संविधान को मानकर कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हम जा रहे हैं, और ये हम कानून के खिलाफ है ये, तो इसके लिए हम आवाज़ उठाएंगे। थैंक यू सो मच सर। वी बीन सीइंग यू फ्रॉम पास्ट मेनी प्रोटेस्ट, बहुत सारे ऐसे बिल्स ऐसे थे जिसके ऊपर आपने प्रोटेस्ट किया था, तो आपको इस बिल के बारे में ऐसे क्या खामियां नजर आई कि आप यहाँ वापस से प्रोटेस्ट करने के लिए आ गए? सो सभी को पता है APMC का जो बिल अमेंडमेंट हुआ है सेंटर से, सो इट इज़ नॉट जस्ट बिल अगेंस्ट द फार्मर्स, इट इज़ डेथ वारंट फॉर द फार्मर्स। इट इज़ ए डेथ वारंट फॉर द फार्मर्स। अगर फार्मर पंजाब हरियाणा दूसरे नॉर्थ साइड से दिल्ली जा रहे हैं, उनका रास्ता रोक देते हैं किस लिए? अगर बिल सही होती तो अमित शाह होम मिनिस्टर क्यों नहीं आके मतलब उनको जवाब दे देते? रोड का जरिया क्यों बंद कर दिया? पहला क्वेश्चन। और आपका क्वेश्चन का जवाब यह है, बिल में क्या दिखता है? दिस बिल ऑलरेडी मैं बोल चुका हूँ, दिस बिल इज नॉट जस्ट अगेंस्ट द फार्मर, इट इज़ डेथ वारंट फॉर द फार्मर्स। एंड एज पर एज माई पोलिटिकल पार्टी स्टैंड, एज माई लीडर प्रेसिडेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ऑलरेडी डिक्लेयर्ड, वी सपोर्ट फार्मर्स ऑन द डायरेक्शन ऑन द गाइडलाइंस ऑफ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। वी बैंगलोर कमेटी AIMIM पार्टी इज इन सॉलिडारिटी विथ फार्मर्स एंड वी विल बी विथ फार्मर्स नो मैटर वॉट इट इज। सो वी मेड इट एंड टूडे यू कैन सी द रेन हियर, कितना बारिश आ रहा है, बट वी आर स्टैंडिंग हियर नॉट बिकॉज ऑफ आवर पॉलिटिकल पार्टी, बिकॉज ऑफ आवर फार्मर्स। बिकॉज फार्मर हैं तो हम हैं, फार्मर नहीं तो देश भी नहीं, कोई नहीं। तो आप लॉ स्टूडेंट भी है, आप प्रैक्टिस कर रहे हैं लॉ, तो आपको क्या लगता है कि इस अमेंडमेंट को निकाल सकते हैं वापस? यस, व्हाई नॉट? सी, वी आर लिविंग इन डेमोक्रेटिक कंट्री, वी आर बिलीव्स इन कॉन्स्टिट्यूशन, एंड वॉट वी आर डूइंग हियर प्रोटेस्ट इज आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, विच इज फंडामेंटल राइट। और डेमोक्रेसी मीन्स बाई द पीपल, ऑफ द पीपल टू द पीपल, वेयर इट इज बाई द पीपल टू द पीपल एंड फॉर द पीपल, वाई पीपल आर प्रोटेस्टिंग हियर? इट इज नॉट, आई एम टेलिंग अगेन एंड अगेन, एज पर द बिल वॉट दे हैव अमेंडेड APMC एक्ट, विच इज जस्ट नॉट ए बिल अगेंस्ट द फार्मर, इट इज डेथ वारंट फॉर द फार्मर्स, इट इज ए डेथ वारंट। तो आपको क्या लगता है कि अगर यहाँ पे बात नहीं सुनी जाएगी तो आप दिल्ली तक जाओगे? ऑलरेडी हमारे जो दिल्ली में आसिम साहब हैं, यूथ ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, ऑलरेडी फार्मर्स के साथ जुड़े हुए हैं, मध्य प्रदेश के साथ जुड़े हुए हैं, जहाँ जहाँ पर भी फार्मर्स के लिए प्रोटेस्ट हो रहा है, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हैज सॉलिडारिटी विद देम एंड दे स्टैंड एंड दे स्पोकिंग एंड वी आल्सो रिक्वेस्ट आवर